हेलो फ्रेंड नमस्कार। तो फ्रेंड आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड नमस्कार। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चोली कट ब्लाउज का कटिंग, जिसका साइज है 33.5 इंच। तो फ्रेंड 33.5 इंच कहाँ पर को नापते हैं कहाँ पर को नापते हैं, इस हम आप लोगों को इस पुराने ब्लाउज के आधार से आप लोगों को कटिंग करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड चलो देखते हैं कहाँ पर को इसका चेस्ट का साइज 33.5 इंच नापा जाता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से ऐसे आप लोगों को पहले ब्लाउज को बिछा लेना है, और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से आप लोग को देखना है, ये इस प्रकार से ऐसे आप लोग को नाप करके देखना है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये देख सकते हो, ये ये 17 में जो है 2 सूत कम आ रहा है। तो फ्रेंड ये 2 सूत डबल फोल्ड में बनेगा 4 सूत, तो ये जो है 33.5 इंच का चेस्ट है यहाँ पर को देखते हैं, क्योंकि हम बॉडी नाप लेते हैं तो यहाँ पर से लेते हैं ये इस तरीके से। तो फ्रेंड ये दोनों में अंतर जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर को हम जब नाप लेते हैं हमेशा तो इस जगह को नाप लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आ रहा है 33.5 इंच, और 33.5 इंच को हम अगर चौथा भाग में लेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंच पे, सॉरी 33.5 को हम जब आधा लेंगे तो ये आएगा 7.5 पे। तो फिर 33.5 का हम चौथा भाग लेंगे तो ये आएगा 8.5 पे, 1 सूत कम। तो फिर ये हम सबसे पहले ये कपड़े का जो है ये किनारा हिस्सा है उसको हम सीधा कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर जो है 3 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही नाप का है, और आप लोगों को डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से 33.5 साइज ब्लाउज का जो है कटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो पर बने रहें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग को सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो फ्रेंड ये हमने सीधा कर लिया, उसके बाद में हम यहाँ पर चेस्ट का नाप ले रहे हैं। जैसे ये हमारा बंद हिस्सा है तो ये सामने तरफ हमारा खुला हिस्सा रहता है, तो यहाँ से हम 33.5 का चौथा भाग लेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 इंच पे, 1 सूत कम। तो यहाँ ऐसे 8.5 इंच पे 1 सूत कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद में फिर इसके बाद जो है लंबाई देखना है, तो लंबाई इस प्रकार से ऐसे पीछे पल्ले में देखना है, सामने पल्ले में नहीं देखना है। तो पहले हम ऐसे लंबाई देखेंगे तो ये है 13.5 इंच। तो फ्रेंड ये 13 इंच पे 2 सूत कम है। तो उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 14.5 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा जो है लंबाई का निशान हो गया, और ये जो है चेस्ट का निशान हो गया। अब फ्रेंड इसके बाद में हम इसको जो है ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो है ना हम एक्स्ट्रा 2.25 इंच रखेंगे, यहाँ से लूजिंग मार्जिन के लिए 2.25 इंच। अब इसको भी सीधा कर देंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर देखेंगे गले का डीप। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है गले का डीप देखने के लिए या तो ऊपर से भी देख सकते हो या तो नीचे से भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि सेम नाप इसका बनाना है, हम जो पुराने ब्लाउज है उसके आधार से सेम नाप बनाना है। तो डीप को हमें यहाँ तक के रखने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पर से नाप रहे हैं डीप। तो फ्रेंड यहाँ से आ रहा है 14.25 इंच, तो हम यहाँ पर आज जो है 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से 14.25 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर जो है हम तीरा का निशान लगाएंगे। तो तीरा का निशान ये 33.5 इंच है, तो हम 2 इंच पर इसका तीरा का निशान कटिंग करेंगे। अब उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ये इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ये इस प्रकार से ऐसे हल्का से टेढ़ा करके यहाँ पर कम से कम 2.5 इंच आना चाहिए, ये गला नॉर्मल फैला रहता है 2.5 इंच का। अब उसके बाद में फ्रेंड इसको जो है हम यहाँ से गोलाई कर देंगे, अब उसके बाद में ये शोल्डर को देखना है, शोल्डर जितना भी चौड़ाई रहे फिक्स आना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए परफेक्ट नाप बनेगा। तो यहाँ पर जो है शोल्डर 2.25 इंच है, तो हम इसमें जो है
आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.75 इंच। तो यहाँ से हम 2.75 इंच इसका जो है शोल्डर का चौड़ाई बनाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ से हमारा जो है नाप हो गया। अब उसके बाद में हम जो इसका आर्म होल निकालेंगे। तो फ्रेंड आर्म होल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये इस प्रकार से ऐसे ला करके इसको बैठा दो, ये इस तरीके से। ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर जो है जितना गला हमारा फैल रहा है ये भी दूरी बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर लेंगे, जो सिलाई है वहाँ से आधा इंच ऊपर पे निशान लगा देंगे। अब इस तरीके से लगाने के बाद इसको जो है ऐसे सीधा कर देंगे और इसको भी ये इस प्रकार से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना ऐसे यहाँ से राउंड दे देंगे। अब इसको जो है फ्रेंड यहाँ पर हल्का सा डाउन रखेंगे, क्योंकि डीप गला में हमेशा ये हल्का सा डाउन रहता है, क्योंकि कटिंग होने के बाद ये फैलने लग जाता है, तो ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। तो फ्रेंड ये हो गया। अब चलो यहाँ पर हम डांट का निशान लगाते हैं। डांट का निशान लगाने के लिए जितना हमारे यहाँ पर चेस्ट मिला है 8.5 पे एक सूत कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 इंच पे एक सूत ज़्यादा रख करके 4.25 इंच, यहाँ से 4.25 इंच हम लेंगे। 4 इंच पे एक सूत कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे ये इस प्रकार से। और उसके बाद में यहाँ से जो है इसका 4 इंच इसका हाइट रख देते हैं। तो फ्रेंड ये नॉर्मल साइज छोटा है ब्लाउज का। तो फ्रेंड इसके बाद में ये हमारा पीछे पल्ले का जो है नाप हो गया। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर फ्रेंड जो हम इसका साइड वाला तिरछी पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको जो है ये इस प्रकार से ऐसे रखेंगे और यहाँ से जो है ऐसे निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से जो है ब्लाउज चोली कट ब्लाउज का कटिंग करने का जो है सरल तरीका दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इसका पट्टी का चौड़ाई देखना है। तो पट्टी का चौड़ाई यहाँ पर 2.75 इंच है। तो फ्रेंड यहाँ से हम ऐसे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे आधा इंच और उसके बाद में यहाँ 2.75 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। उसी प्रकार फ्रेंड यहाँ पर हम आधा इंच कम लेते हैं, यहाँ से आधा इंच कम रहता है, तो ये आ जाएगा 2.25 इंच और यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन आ जाएगा ये इस प्रकार से। यहाँ से फ्रेंड इसको जो है इस प्रकार से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर जो है ये गले का जो है फैलाव रखेंगे। फ्रेंड गले का फैलाव रखने के लिए ये जो दूरी है दोनों दूरी यहाँ से यहाँ तक के इसको जो है सेम रखना है, तब जा करके गला जो है इसका सेम बनेगा परफेक्ट नाप से। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ऐसे, और उसके बाद में इसको जो है यहाँ से सीधा कर देंगे। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ से देखेंगे ये चोली का दूरी, यहाँ से जो है चोली का दूरी देखना है कितना है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है 5 इंच पे एक सूत कम है।
तो हम यहाँ पर से 5 इंच पे एक सूत कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे चोली की दूरी, तो यहाँ पर 5.25 इंच है, तो हम इधर से जो है 5.25 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और एक निशान जो है सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच पर। अब इसको जो है ना ऐसे सीधा कर देंगे, यहाँ से ऐसे सीधा। अब यहाँ पर को जितना हमारे यहाँ पर मिल रहा है उतना ही यहाँ से ऐसे इस प्रकार से ऐसे राउंड से बना देंगे। तो ये जो गला है उसको ऐसे हल्का सा अंदर ले जाते हुए ये इस प्रकार से ऐसे निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा तिरछी पट्टी का निशान ये इस प्रकार से लगाते हैं। फ्रेंड यहाँ से जो है हल्का सा ऐसा इसको राउंड बनाएंगे, ये आगे पल्ले का जो है गहराई बनेगा। जो है इसमें एक बार ऐसे रख करके देख लेना है, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पर को हम ऐसे सीधा कटिंग कर देंगे। फ्रेंड यहाँ से देखते हैं चोली का दूरी, ये देख सकते हो ये परफेक्ट 5.25 इंच पे ये आ रहा है, यहाँ पर 5.25 इंच पर ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे सिलाई मार्जिन आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से जो है ब्लाउज का कटिंग सीख सकते हो। अब इसके बाद में निकालेंगे हम आस्तीन। तो फ्रेंड इसके बाद में निकालते हैं आस्तीन। तो आस्तीन निकालने के लिए हमने सभी को बराबर रख कर लिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ से ऐसे इसको डबल फोल्ड करेंगे, ये इस प्रकार से फ्रेंड डबल फोल्ड कर देंगे। और ये जो आस्तीन है उसको मैं आप लोग को सबसे सरल तरीका जो है दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। देखो ऐसे करके इसको बिछा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो कम हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। अब यहाँ से फ्रेंड ऐसे रख करके देख लेना है बिछा करके, ये देख सकते हो यहाँ से कम 2 इंच 2.25 इंच इसको एक्स्ट्रा लेना रहता है। अब उसके बाद में यहाँ से जो है हम ये जोड़ से 1/2 इंच बड़ा रखेंगे और यहाँ पर से 1/2 इंच बड़ा, और इसको जो है ना ऐसे सीधा कर देंगे। और यहाँ से फ्रेंड इसको ये इस प्रकार से ऐसे ला करके इसमें जो है मिला देंगे, और यहाँ से जो है 1/2 इंच हम यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे। तो फ्रेंड इसको जो है हम सभी को एक साथ जो है कटिंग कर रहे हैं ये इस प्रकार से। यहाँ पर फ्रेंड जो है हम ऐसे हल्का सा कट लगा लेंगे और ये
यहाँ पर सेंटर का कट लगा लेंगे। अब इसको जो है यहाँ से ऐसे सिंगल करेंगे, अब ये डबल था तो इसको ऐसे सिंगल करेंगे और यहाँ से इसको जो है ऐसे 1 इंच इसको यहाँ से छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे इसको, तो ये आगे पल्ले का गहराई बन जाएगा। फ्रेंड ये देख सकते हो ये जो है आगे पल्ले का ये गहराई हो गया और ये पीछे पल्ले का। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप लोग आस्तीन को जो है आसानी से निकाल सकते हो, चाहे किसी भी साइज का आस्तीन रहे। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम चोली निकालेंगे। फ्रेंड ये चोली का जो है ये इसको जो है ऐसे रखेंगे और इसके बाद में इसके चारों तरफ निशान लगा देंगे। फ्रेंड यहाँ से जो है इसका चौड़ाई देख लेना है कि कितने में है, तो इस प्रकार से ऐसे चौड़ाई देखेंगे तो ये बराबर आ रहा है, तो इसको जो है हम इसी निशान के ऊपर ही इसको कटिंग कर देंगे। ये ऐसे कटिंग करेंगे इसको, अब यहाँ पर फ्रेंड इसका जो है हम गोलाई बनाएंगे। तो गोलाई बनाने के लिए ये इस प्रकार से ऐसे गोलाई देखेंगे, इसको ऐसे गोल कर देंगे और यहाँ पर जो है गले का कटिंग कर यहाँ से कटिंग कर देंगे इसको। फ्रेंड इसके बाद में ये साइड पट्टी को लेके आना है और इसको इस तरीके से ऐसे नाप लेना है और यहाँ से जो है 1 इंच बड़ा रहना चाहिए, तो ये निशान जो है ये सही आ रहा है, तो हम इसको इसी निशान पे जो है कटिंग कर देंगे। इसके बाद में फिर यहाँ से ऐसे रखेंगे ये इस प्रकार से और इसको जो है ना ऐसे सीधा कटिंग कर देंगे, यहाँ से ऐसे सीधा कटिंग करेंगे। अब उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे ये 1/2 इंच और उसके बाद में यहाँ से 1.25 इंच है, तो 1.25 का आधा आएगा ये 2.5 इंच 1 सूत, तो यहाँ पर 2.5 इंच 1 सूत पर हम निशान लगा के यहाँ पर को ऐसे कट कर निशान लगा लेंगे, यहाँ से सिलाई चला जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर ये 1.5 इंच हमारा जो है डांट का निशान लगेगा इसमें। अब इसके बाद में निकाल रहे हैं ये पट्टी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो पट्टी बनाएंगे हम 2.75 इंच का पट्टी है, तो यहाँ पर 2.75 इंच का हम यहाँ पर पट्टी बनाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर हम 2.75 इंच का जो है पट्टी निकालेंगे, तो पट्टी निकालने के लिए हम इसको पहले सीधा कर लेंगे यहाँ से, और जो है इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड दोनों तरफ हम सिलाई मार्जिन लेंगे और ऐसे 2.75 इंच ये देख सकते हो 2.75 इंच यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद में ऐसे सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 2.25 इंच
यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट, और उसके बाद में यहाँ से सिलाई मार्जिन। अब उसके बाद में इसको जो है कि इस तरीके से ऐसे हल्का डाउन करते हुए इसको ऐसे ला करके मिला देंगे। अब यहाँ से जो है फ्रेंड ये ऐसे कटिंग कर देंगे, ये इसी प्रकार से। तो फ्रेंड ये हमारे जो है ब्लाउज बन के कट के रेडी हो चुका। तो फ्रेंड हमारे जो है ये ब्लाउज कट के रेडी हो गया, ये देख सकते हो आप लोग पूरा परफेक्ट नाप से। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप लोग भी ब्लाउज का जो है कटिंग किसी भी साइज का कटिंग आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।